नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। बुधवार के दिन कोतवाली थाने में टीआई प्रीति भार्गव ने पत्रकार अनिल रावत के साथ अभद्रता कर झूमा झपाटी की और मोबाइल छीन लिया। इसकी जानकारी जब पत्रकारों को हुई तो सभी पत्रकार एकजुट हो गए। पुलिस के द्वारा किए गए इस कार्य की सभी ने निंदा की और एसपी के नाम एक ज्ञापन देकर टीआई प्रीति भार्गव को हटाने व उन पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। मामला ये है कि पत्रकार अनिल रावत अपना आवेदन देने कोतवाली गए थे, तब टीआई प्रीति भार्गव दो पक्षों की बात सुन रही थी। वहीं पत्रकार अनिल रावत से इंतजार करने की बात कही। वहीं अनिल ने जब पुनः आग्रह किया तो टीआई भड़क गई और फर्जी पत्रकार बताकर मोबाइल छीनने की बात अपने सहयोगियों से कही, जिनमें आरक्षक भवनेश्वर, अग्निहोत्री और अन्य ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अनिल का कहना है कि टीआई कहने लगी कि चीर दूंगी फाड़ दूंगी और आरोप लगाए जा रहे हैं कि पत्रकार ने गाली गलौज की। ज्ञात हो कि कोतवाली पुलिस का जब एक पत्रकार के साथ यह रवैया है तो अन्य लोगों की हालत क्या होती होगी। वहीं सभी पत्रकारों ने मांग की है कि टीकमगढ़ टीआई को तत्काल हटाया जाए, नहीं तो भूख हड़ताल करने के लिए हम सब मजबूर होंगे। इसकी एक शिकायत पत्रकारों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समक्ष भी भेजी है। एएसपी एमएल चौरसिया ने जांच कराकर कार्रवाई करने का भरोसा दिया। मालूम हो कि शहर में पुलिस अपनी मनमर्जी से काम कर रही है और यही वजह है कि जब एक शरीफ आदमी कोतवाली में रात के समय रिपोर्ट लिखवाने जाता है तो ऊपर से नीचे तक कांपता हुआ दिखता है। जनता को ये पुलिस का डर सताया जा रहा है, जिसके खिलाफ पत्रकार आंदोलन करने को मजबूर हो रहे हैं। टीकमगढ़ से खूबचंद्र लोधी की रिपोर्ट। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पत्रकार एकता जिंदाबाद। हमें अभी हाल मालूम चला है। मैं अभी एक जगह बैठा था तो मुझे मालूम चला कि हमारे साथी श्री अनिल रावत जी, उन्होंने कोतवाली में उनके साथ गलत बर्ताव किया और अभद्रता से उनके सामने पेश आए। मैंने तुरंत एडिशनल साहब को भी कहा कि जो अपनी टीआई कोतवाली है, उनके ऐसे कई किस्से इसके पहले भी आए हैं, चाहे जनप्रतिनिधि लोग हों चाहे और लोग हों, और निश्चित रूप से उनकी इस टाइप की जो बोलने की छवि है वो निश्चित रूप से इस जिले को जो माहौल है एक सौहार्द का वो बिगाड़ने की कोशिश करेगा। और मेरी एडिशनल साहब से और एसपी साहब से भी यही मांग है कि निश्चित रूप से ऐसे अधिकार बताएं भाई साहब, जो आप क्या मामला है, जो मामला है क्या मामला है, किस कलेक्टर है? आज हम कोतवाली में एक काम से गए थे, पर्सनल काम था थोड़ा सा, तो कल शाम को टीआई मैडम से बात भी हो गई थी। आज हम जब कोतवाली पहुंचे तो वो किसी मामले को लेकर दो पक्षों की अपने चैम्बर में सुनवाई कर रही थी। फिर देख के मैं बाहर बैठ गया कि अपना काम करने में, लगभग 20 मिनट बाहर बैठा रहा। उसके बाद वहाँ से उनके कक्ष से चार पांच लोग बाहर निकल के आए, तो मैंने सोचा इनका चैम्बर खाली हो गया, मैडम फ्री हैं, तो मैं अंदर गया तो दो लोग थे। तो मैंने कहा मैडम एक पाँच मिनट की बात है, आपसे बात कर ली। हाँ हाँ चलिए आप बाहर बैठिए। उनका बड़ा मतलब बहुत बेइज्जत अच्छे तरीके से उनका टॉकिंग वे ठीक नहीं था, तो ये मुझे अच्छा लगा। मैडम मैं पत्रिका से हूँ, पत्रकार हूँ, और आप इस तरह से बात करें। कहें हाँ कोई भी हो चलिए बाहर बैठिए, बोल दिया ना ऐसा वैसा, मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने कहा मैडम आप तमीज़ से बोल दें, मैं आधा घंटे से बैठा हूँ और वेट कर लूँगा, इसमें कोई बात नहीं है। इतने में दो आरक्षक आ गए, अभद्रता करने लगे, टीआई मैडम भी चिल्लाने लगी, चीर दूंगी फाड़ दूंगी और मोबाइल छीन लिया। मैंने इसकी सोचा कि एसपी साहब को बता दूं कि किस तरह से बातचीत हो रही है, तो उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया और धकेल के मुझे अंदर बैठा दिया। इसकी जानकारी जब साथी पत्रकारों को तो पहुंची तो वो आए, बाद में एडिशनल साहब पहुंचे, एसडीओ साहब पहुंचे, उन लोगों ने समझाया, मामले को शांत कराया। लेकिन इस तरह का व्यवहार जो आम लोगों के साथ कोतवाली में हो रहा है वो ठीक नहीं है, और आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैंने गाली गलौज की। मैंने उसी समय बोला कि आप सीसीटीवी फुटेज में दिखवा लें कि मैंने गाली गलौज की या क्या हुआ, तो उसको वो उसके लिए भी तैयार नहीं थे। इस तरह का व्यवहार चल रहा है। तो आगे और पत्रकार पत्रकार साथियों ने इस पर कार्रवाई की मांग की है। पत्रकार साथी बोल रहे हैं ये हमेशा का मामला हो गया है, पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।